मोदी जी ने तो बहुत काम किया गुजरात के लिए, मोदी इज बेस्ट। वो तो एकदम बकवास, राहुल गांधी तो एकदम बकवास, कुछ तो कुछ किए नहीं आज तक, और मोदी जी का इतना अच्छा काम को बोलते करा। मोदी के बाद बस योगी, मोदी के बाद बस योगी। हाँ, नेक्स्ट कैंडिडेट योगी जी। हाँ, आप देख रहे हैं कितना प्रोग्रेस हुआ है, और मोदी के आने के बाद झड़प हो गई है प्रोग्रेस में, कोई सवाल ही नहीं है। मोदी है तो सब मुमकिन है, मोदी है तो सब मुमकिन है, उसने सब कुछ कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता। विकल्प 20 साल पहले भगवान ने दे दिया था मोदी के रूप में, वो चल रहा है तो उसको चलने ही देंगे। वो हमारा भगवान है, मोदी है तो सब है। यहाँ पे केजरीवाल आता है तो गुजरातियों का ऐसी तैसी है, वो सबसे बड़े बेवकूफ़ होंगे वो अगर केजरीवाल को लेके आते हैं। ये IB कब से रिपोर्ट करने लग गया केजरीवाल को, IB कब से रिपोर्ट करने लग गया केजरीवाल को? IB तो गृह मंत्रालय के अंडर है ना, उसको रिपोर्ट करता है IB, केजरीवाल को कब से रिपोर्ट करने लग गया है? वैसे तो ऐसा लग रहा है कि BJP का अच्छा है, परफॉर्मेंस भी अच्छा है, और शायद मतलब कि वही आएगी। वैसे फ्री का जो मिलता है वो ऐसे हम लोगों को प्रयोग होती है ना, अल्टीमेटली वो ज़्यादा तो हमारे जेब से ही हुए। भाजपा सरकार। चलिए गुजरात की जनता का मूड समझते हैं कि आखिरकार इन विधानसभा चुनाव में किसको मिलेगा समर्थन, किसकी आएगी सरकार, क्या जो है लोगों की राय है, ये चलिए जानते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय प्रसाद है। कहाँ के रहने वाले हैं? धनबाद, झारखंड से। झारखंड से हैं, यहाँ पर घूमने आए जी। हाँ, कैसा लग रहा है गुजरात को देखकर अहमदाबाद आप घूम? लग रहा है सर, बहुत डेवलप लग रहा है। मोदी जी ने तो बहुत काम किया गुजरात के लिए, मोदी इज बेस्ट। मोदी जी ने काम किया, लेकिन विपक्ष कह रहा है इतना खर्चा क्यों करते हैं, क्यों बनाते हैं इतनी चीज़ें। वो तो एकदम बकवास, राहुल गांधी तो एकदम बकवास, कुछ तो कुछ किए नहीं आज तक, और मोदी जी का इतना अच्छा काम को बोलते करा। राहुल गांधी तो 2024 की तैयारी कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। नहीं जीतेंगे कभी नहीं, नहीं, मोदी इज बेस्ट। 2024 में क्या कोई और दिख रहा है मोदी जी की टक्कर में आपको? मोदी के बाद बस योगी, मोदी के बाद बस योगी। हाँ, नेक्स्ट कैंडिडेट योगी जी। हाँ, ऐसा आप तो झारखंड में रहते हैं, ऐसा क्या योगी जी में ऐसा क्या दिखा आपको जो? उन्होंने यूपी में भी बहुत किया, यहाँ गुजरात भी बहुत अच्छा है, मोदी और बस उसके बाद योगी। स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने का जो है ना, ये लोग का ये है, ये लोग वोट की राजनीति नहीं करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है। हाँ, स्ट्रॉन्ग लीडर जो चाहते हैं वो करते हैं। एक और फ्री बिजली पर बड़ी बातें की जा रही हैं केजरीवाल की तरफ से कि फ्री, तो बुड़बक वाली बात है, ये तो लूट है, जनता का पैसा है ना, जनता को लुटा रहे हो और क्या कर रहे हो, बुड़बक बना रहे हो। ये कहते हैं 10 लाख रुपया नौकरी दे दूंगा, अरे 10 का तुम नौकरी दे तो पहले देखो क्या, ये तो सपने दिवा सपने भैया, वो अपनी अपनी राजनीति है, फ्री दे दो। हम तो बस मोदी को ही मानते हैं और उसके बाद योगी को, बस उसके अलावा कोई नहीं, नहीं कोई नहीं। चलिए और लोग हैं, आइए उनसे बात करेंगे, उनका हाल जानेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? देवांग पाठक। कहाँ के रहने वाले हैं? अहमदाबाद। अहमदाबाद के रहने वाले हैं। अहमदाबाद को लेकर अब केजरीवाल तो कह रहे हैं कि गुजरात में कुछ हुआ ही नहीं है 27 सालों में, अब सरकार बदल ली। आप देख रहे हैं कितना प्रोग्रेस हुआ है, और मोदी के आने के बाद झड़प हो गई है प्रोग्रेस में, कोई सवाल ही नहीं है। ये प्रोग्रेस अभी आप भी देख रहे हैं कि कहाँ आप ये वीडियो उतार रहे हैं हमारे। जी मैम, आपका क्या नाम है? मीनल पाठक। यहीं के रहने वाले? हाँ। आप क्या कहेंगे गुजरात चुनाव को लेकर, जनता जानना चाहती है, देश की जनता देख रही है इस समय? मोदी है तो सब मुमकिन है, मोदी है तो सब मुमकिन है, उसने सब कुछ कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता। केजरीवाल अब दिल्ली में तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो गुजरात में दिखाई दे रहे हैं, मनीष सिसोदिया भी यहीं दिखाई दे रहे हैं, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, भगवंत मान यहीं दिखाई दे रहे हैं, कोशिश बहुत कर रही है आम आदमी पार्टी। तो आप क्योंकि गुजरात की खुद जनता है, आपको ही पूरा देश इस समय सुन रहा है, तो आप क्या कहेंगे केजरीवाल जो इस समय कोशिश कर रहे हैं, क्या सफल हो पाएंगे, क्या मुख्यमंत्री बना पाएंगे अपना? नहीं, कोई केजरीवाल को नहीं बनाएंगे, केजरीवाल नहीं, नहीं नहीं नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। मोदी इज अ लीडर, इज अ पॉलिटिशियन, नॉट एट ऑल केजरीवाल, मोदी है तो मोदी ही है। एक और बात खैर अभी केजरीवाल ने की, उन्होंने कहा कि अब ऊपर वाले ने, भगवान ने आपको विकल्प दिया है, यानी कि वो कह रहे हैं कि भगवान ने उनको भेजा है आम आदमी पार्टी को विकल्प के तौर पर, कि गुजरात में अब कांग्रेस तो दिख नहीं रही है, तो BJP के बाद विकल्प के तौर पर आप आम आदमी पार्टी को लाए। विकल्प 20 साल पहले भगवान ने दे दिया था मोदी के रूप में, वो चल रहा है तो उसको चलने ही देंगे। वो हमारा भगवान है, मोदी है तो सब है। मोदी जी को भगवान की उपाधि दे रहे हैं? हाँ हाँ, भगवान के बराबर है, कोई सवाल ही नहीं है, मोदी है तो सब कुछ है। जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमूल है, पर मैं कुछ भी बोलने से पहले बता दूं मैं गुजरात से नहीं हूँ। चलिए, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वो तो नहीं बता सकता, लेकिन आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है केजरीवाल के बारे में, मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ, जो उसकी फ्री की रेवड़ी वो जो पॉलिसी है वो बहुत गलत है।
आज भी उन्होंने ऐलान किया है फ्री बिजली को लेकर, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आप जिस अभी मैं जहाँ बैठा हूँ, मैं अटल ब्रिज पर बैठा हूँ, अगर सब कुछ फ्री फ्री, क्या ये पॉसिबल है ऐसी कंस्ट्रक्शन होना? क्या ये पॉसिबल है, ऐसी कंस्ट्रक्शन हो सकती है फ्री के माहौल में? विपक्ष तो लगातार ये सवाल उठाते, बहुत सारी चीज़ें वेनेजुएला में एक जमाने में फ्री हुआ करती थी, आज क्या हाल है उस देश का? बिल्कुल गलत है, ये फ्री कल्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर यहाँ पे केजरीवाल आता है तो गुजरातियों का ऐसी तैसी है, वो सबसे बड़े बेवकूफ़ होंगे वो अगर केजरीवाल को लेके आते हैं। खैर हम काफ़ी समय से गुजरात में घूम रहे हैं, ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि भाजपा आनी चाहिए। केजरीवाल का कुछ लोगों को नाम भी नहीं यहाँ पर याद है, लेकिन और क्या कहेंगे केजरीवाल जो लगातार, वो अभी उन्होंने एक चीज़ और कही केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट आई मेरे पास कि आम आदमी पार्टी की सरकार। बताइए आईबी कब से रिपोर्ट करने लग गया केजरीवाल को? आईबी तो गृह मंत्रालय के अंडर है ना, उसको रिपोर्ट करता है आईबी, केजरीवाल को कब से रिपोर्ट करने लग गया है? सारी फालतू कोरी बकवास है ये, कुछ नहीं होने वाला। और मैं अगर मुझे कोई भी गुजराती देख रहा हो तो केजरीवाल को वोट ना करें। तो ये आप अपील कर रहे हैं, खुद तो वोट नहीं दे पाएंगे लेकिन? मैं वोट नहीं दे सकता गुजरात से, लेकिन बिल्कुल वोट ना करें। चलिए ये देखिए जो बाहर से भी लोग आए हैं वो भी यही अपील कर रहे हैं, क्योंकि लगातार अगर बात की जाए खासतौर पर गुजरात चुनाव में अरविंद केजरीवाल के जो वादे हैं वो वादों पर लोगों को भरोसा नहीं हो रहा, किस तरह की जो है वादे किए जा रहे हैं। और देखिए अभी हम यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे थे, रिपोर्टिंग करते करते ही ये लाइट्स यहाँ पर जग चुकी। आप नज़ारा देखिए इस अटल ब्रिज का, क्या खूबसूरत नज़ारा है। और जिस गुजरात मॉडल की बात की जाती है वो आप गुजरात मॉडल इस समय हमारे विजुअल्स में देख सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं। और इसको लेकर हमेशा से विपक्ष सवाल उठाता रहा है कि आखिरकार क्यों इतना खर्चा किया जा रहा है, यहाँ पर सरकार इस पर क्यों खर्चा कर रही है। आइए यहाँ और लोग हैं उनसे बात करेंगे जो यहाँ घूमने आए हैं। जी क्या नाम है आपका? मिलन कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गुजरात महुआ से, भावनगर। गुजरात के रहने वाले हैं, अभी गुजरात की नज़रें, गुजरात पर जो है पूरे देश की नज़रें हैं, क्या कहेंगे अभी विधानसभा चुनाव आने वाले, किसकी सरकार आती दिखाई दे रही है? वैसे तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का अच्छा है, परफॉर्मेंस भी अच्छा है, और शायद मतलब कि वही आएगी, भाजपा सरकार आएगी दोबारा। हाँ मुझे तो ऐसा लगता है। और आम आदमी पार्टी इतना प्रचार कर रही है, कोशिश कर रही है काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार, अरविंद केजरीवाल खुद दिल्ली से उठ करके आ रहे हैं लगातार, उसको लेकर क्या कहेंगे? अच्छा है उसका, मतलब कि वैसा भी उसकी ट्राई भी अच्छी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि गुजरात की पब्लिक ज़्यादा मैच्योर है, तो समझती है कि असली मतलब कि सच क्या है वो सब। यानी कि जो रेवड़ी बांटने की कोशिश की जा रही है कि फ्री बिजली देंगे, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? वो लगातार बार बार बोल रहे हैं कि दिल्ली में फ्री बिजली दिया है, पंजाब में दिया है, उन्होंने ये ऐलान कर दिया 1 मार्च से मैं गुजरात में फ्री बिजली दूंगा। ठीक है, अभी जैसे कि चल रहा है कि रेवड़ी कल्चर जो है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ठीक नहीं है। जैसे कि मान लीजिए मैं अगर जॉब कर रहा हूँ तो मैं अपनी तरह से पूरी कोशिश करूँगा मेरा घर चले, ये मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मुझे कुछ फ्री मिले। वैसे फ्री का जो मिलता है वो ऐसे हम लोगों के ऊपर ही होती है ना, अल्टीमेटली वो ज़्यादा तो हमारे जेब से ही जाए। बिल्कुल ऐसा जी, चलिए और लोग हैं उनसे बात करें। जी क्या नाम है? मनीष बेड़ा। क्या कहेंगे गुजरात चुनाव को लेकर? हिंदी में पूरी बात नहीं कर सकूंगा। चलिए जितना आप, किसकी सरकार आती दिखाई दे रही है? वो बस भाजपा सरकार। भाजपा सरकार, और क्या आप गुजराती में कहना चाहते हैं? गुजराती में कहिए दर्शकों से क्या लग रहा है इस बार चुनाव को देखकर। बस भाजपा सरकार जाओ से, इन काम सारू से, छेला 20-25 वर्ष थी भाजपा नु काम सारू से, भाजपा सरकार नु। केजरीवाल के लिए कुछ कहेंगे? वो बार बार आ रहे हैं यहाँ पर, कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं सेंध लगाई जाए, इस बार सरकार बनाई जाए। यानी कोशिश सारी है, पण बनता सुधी में तो भाजपा सरकार ज आवशे, कारण के भाजपा सरकारे एटलू डेवलप कर्यु छे। अमदावाद ज जोई लियो तमे, अमदावाद में एटलू डेवलप छे, बधी रीते गुजरात फूल डेवलपिंग छे। धन्यवाद सर।